आज की कहानी का शीर्षक है नए जमाने के खरगोश और कछुआ। हम सभी ने दो दोस्त कछुए और खरगोश की कहानी कभी न कभी ज़रूर सुनी है, जिसमें कछुए और खरगोश के बीच दौड़ प्रतियोगिता होती है और खरगोश बीच में ही सो जाता है, कछुआ लगातार चलकर दौड़ जीत जाता है। हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यह तो कहानी की शुरुआत है। उस दौड़ के दूसरे दिन खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को फिर से बुलाकर कछुए को दौड़ के लिए ललकारा, लेकिन दूसरे दिन परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो गई। कछुआ अपनी जीत के कारण अति आत्मविश्वासी हो गया, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और खरगोश अपनी पिछली गलती से सीख ले चुका था, इसलिए वह रेस में सोया नहीं और जीत गया। पूरा जंगल खरगोश और कछुए की इस अनोखी प्रतियोगिता की बातें कर रहा था। जंगल के राजा शेर तक भी यह बात पहुंची। शेर ने ऐलान किया कि वह भी खरगोश और कछुए की दौड़ देखना चाहता है। अब क्योंकि खुद राजा यह दौड़ देखने वाला है, तो उसकी कुछ खास बातें भी होंगी। रेस जंगल के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने वाली नदी पार करके बरगद के पेड़ के पास खत्म होने वाली थी। जो जीतेगा उसे शेर राजा ढेर सारा इनाम देगा, और जो हारेगा उसे शेर मारकर खा जाएगा। शाम तक यदि दोनों ने दौड़ पूरी नहीं की तो शेर दोनों को मारकर खा जाएगा। जब खरगोश और कछुए ने यह बात सुनी तो दोनों डर गए, क्योंकि थे तो दोनों दोस्त ही, किसी भी हालत में दोनों में से कम एक जने की जान जानी थी। इनफैक्ट दोनों यह भी जानते थे कि शाम तक ये रेस ख़त्म करना मुश्किल है, क्योंकि कछुआ तेज दौड़ नहीं सकता था और खरगोश नदी पार कर नहीं सकता था। दोनों ही की जान जाने वाली थी, बचकर भागने का भी कोई उपाय नहीं था। आखिर में दोनों ने एक जुगत लगाई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर उठा लिया और दौड़ने लगा। इस तरह जल्दी से वे दोनों नदी के पास पहुंच गए। अब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और तैरकर नदी पार कर ली। दोनों ही शाम होने के पहले एक साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंच चुके थे। इस तरह न कोई जीता न कोई हारा। सभी जानवर उन दोनों की चतुराई देख अचंभित थे। शेर भी उन दोनों की एकता और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोनों को ढेर सारा इनाम दिया। इस कहानी से हमें कई शिक्षा मिलती है। पहले दिन कछुए की जीत से हम सीखते हैं कि लगातार धीरज से काम करने वाले की ही जीत होती है। दूसरे दिन खरगोश से यह सीख मिलती है कि हार कर रुकना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए तो जीत निश्चित है। और तीसरे दिन की दौड़ से यह सीख मिलती है कि दोस्तों के बीच कितनी भी लड़ाई हो जाए, मुसीबत के समय एक की कमी को दूसरा और दूसरे की कमी को पहला पूरा करें और एक टीम की तरह लड़ें तो जीत अवश्य होगी। धन्यवाद।